को भगवान की कृपा से अपने लोगों का मिलन होता है। जब द्रोही दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाई। साधुता का तात्पर्य होता है लक्षणों से वेश से नहीं। जैसे अपने लोग भगवत गुणगान भगवत दास हैं, सब भगवत यशो गायक हैं, उनके यश का गान करने वाले, तो हमारे जीवन का चरम लक्ष्य होना चाहिए स्मृति। भगवत स्मृति में डूबे हुए भगवत गुणगान, भगवत भाव से किसी की भी सेवा, और भगवान मुझे निमित्त बनाकर केवल कर रहे हैं, करना उनका है, एक मैं निमित्त मात्र हूं, कहीं भी अहम ना होना, यही हमारे जीवन की परम आध्यात्मिक संपत्ति है। अगर स्मृति विहीन मिनट गया वो बड़ी हानिकारक है। का हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। स्मृति के साथ सेवा, सुमिरन स्मृति और भज धात सेवायाम भजन, मतलब आपकी सेवा स्मृति के सहित, मतलब मामनिस्मर युद्ध च, मामनिस्मर युद्ध च मेरी स्मृति स्मरण और अपने कर्तव्य का पालन, बस ये सार बात समझ में आई है। जो जहां है भूरिदा जना, जैसे भगवत चर्चा, भगवत नाम, भगवत स्मृति, ये सबसे बड़ा दानी जो स्वयं स्मरण करे और दूसरे को स्मरण कराए। पर वो तभी हो सकता है जब कथ्यंत च माम नित्यम और तुष्यंत च रमंत च। इसको बहुत आंतरिक भाव से समझना है। कथयंत च माम नित्यम, लेकिन तुष्यंत च रमंत च, उसी में तुष्यंत जो बोधयंता परस्परम, कथयंत च माम नित्यम, मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम, तो कथयंत च माम नित्यम मेरा ही कथन हो, और उसी में तुष्यंत च रमंत च। पर ये चीज थोड़ा हट जाती है, कथयंत च माम नित्यम ये तो हो सकता है, लेकिन तुष्यंत च रमंत च इसमें अंतर आया जाता है। धन भोग वासनात्मक क्रीड़ाएं, अब कथयंचित माम नित्यम का रस नहीं मिल पाएगा। चौथ भगत मम गुणगन करे कपट तज, कथयंत च माम नित्यम तुष्यंत च रमंत च, तुष्यंत च रमंत च, ये हमें ध्यान, और यही है स्मृति। जब उनकी रूप स्मृति में, उनकी लीला स्मृति में, ये परमहंस संहिता श्रीमद भागवत ना इतनी समर्थ है कि और किसी साधन की जरूरत नहीं। इसके 7 दिन में स्पष्ट प्रेत भगवत पार्षद बन के विमान में जा रहा है, ले जा रहा है। बस देख लो, प्रश्न हुआ गोकर्ण जी का, ये कथा तो सबने सुनी, फल में भेद क्यों, एक विमान क्यों, सबके लिए क्यों ले आया? क्योंकि तुष्यंत च रमंत च नहीं थे ये। मनन नहीं था, मनन नहीं था, तुष्यंत च रमंत च ना होने के कारण, और इसने भूख प्यास सबका त्याग करके ये इसी में तुष्यंत च रमंत च, इसीलिए विमान इसके लिए आया है। अगली बार फिर तैयारी करो, तो विमान हम सबके लिए लाएंगे। और तैयारी की गई और विमान आया सबके लिए, और सब गए भगवत रूप श्रीमद भागवत कलयुग में, क्या मतलब हरियुग के लिए, क्योंकि भगवान की पावन चर्चा ना परम वरदान है। बस इसका सही ढंग से प्रयोग किया, जैसे औषधि है ना, उसको अनुपान के सहित प्रयोग किया जाए तो रोग में बहुत जल्दी लाभ प्रदान करती है। जैसे हमारा उद्देश्य भगवत प्रीति प्राप्त करना हो, और सुनने वाले का उद्देश्य भी भगवत प्रीति प्राप्त करना हो, फिर जो चर्चा होगी बड़ा रंग आएगा, बहुत रंग आएगा। नहीं, और जब हमारा पाप मोचन